वेलकम टू ममताज किचन फ्रेंड्स, आज हम सभी को पसंद आने वाले बेसन के लड्डू बनाएंगे। कोई भी त्योहारों में आप बना सकते हैं और हर कोई इसे बना सकता है क्योंकि ये एकदम बनाने में इजी है, इसमें चाशनी नहीं लगती। तो दो तीन टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप भी बेसन के लड्डू परफेक्ट और टेस्टी बना पाएंगे। तो बनाते हैं हम परफेक्ट नाप और टिप्स के साथ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने दरदरा पिसा हुआ 500 ग्राम चने का आटा लिया है, 350 ग्राम पाउडर शुगर ली है, 1/4 कप मिल्क लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है और 1/4 कप हमने जो चने का आटा हमारा होता है नॉर्मल वाला वो ले लिया है, और टॉप करने के लिए पिस्ता की कतरन ली है, और ये चने का आटा भूनने के लिए हमने घी लिया है। तो शुरुआत कर देते हैं। तो हमने आटा चने का आटा भूनने के लिए कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें हम घी डालेंगे। घी हमें तकरीबन 400 ग्राम जितना ले लेना है। पहले से ज्यादा घी ना डालें, नहीं तो वो एकदम ढीला हो जाएगा आपका बेसन, तो लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें ये जो दरदरा पिसा हुआ बेसन है हमारा चने का आटा वो डाल दीजिए, और गैस की फ्लेम हमें एकदम लो ही रखनी है इस टाइम, और लगातार इसे चलाते रहना है। ये चलाने के बाद आपको जो घी की जरूरत लगे तो आप घी और डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच और घी डालेंगे हम। बेसन को एकदम धीमी आंच पर हमें भूनना है, ये थोड़ा पेशेंस वाला काम होता है बेसन के लड्डू बनाने का। है तो एकदम इजी, लेकिन थोड़ा इसे भूनने में टाइम लगता है क्योंकि हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना होता है, भूनना होता है। आप हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ये जल जाएगा आटा हमारा, और बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे हमारे। आप देख रहे हैं थोड़ा जो हमने घी डाला था और स्टार्टिंग में जब हम भून रहे थे तब थोड़ा वो टाइट था, अब थोड़ा ये लूज हो रहा है। जैसे जैसे ये रोस्ट होगा थोड़ा थोड़ा लूज होता जाएगा बैटर हमारा। दिवाली पर तो हर हिंदुओं के घर ये हमारा बेसन के लड्डू बनते ही है। गुजरात में इसे मगज के लड्डू बोलते हैं, कोई जगह पे इसे बेसन के लड्डू बोलते हैं। फ्रेंड्स, बेसन को हमने लगातार 25 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लिया है, एकदम लो से मीडियम आंच पर हमें भूनना है। तो ये भून चुका है लगभग 90% तक। अब हमें इसमें जो हमने नॉर्मल वाला बेसन लिया था वो डाल देना है, और फिर से हमें 2 से 3 मिनट ही हमें अभी इसे भूनना है। तो बेसन के लड्डू में जो हमने नॉर्मल वाला थोड़ा आटा डाला है उससे इसका टेक्सचर भी एकदम अच्छा आएगा और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा लड्डू का। अब नॉर्मल वाला चना का आटा डालकर भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है इसे। ये जो इलायची पाउडर लिया है वो डाल देंगे। सबसे लास्ट में हमें इलायची पाउडर डालने के बाद हमें ये जो दूध लिया है वो एकदम धीरे धीरे डालना है। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा इसका। और इसे एक साथ मत डालिएगा, एकदम धीरे धीरे डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके। और गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है हमें इस टाइम। ये दूध भी हमने डाल दिया है और लगातार हमें चलाते रहना है इसे। फ्रेंड्स, ये जो हमने लास्ट में आटा डाला
और ये दूध डाला। ये दो स्टेप्स आप स्किप मत करिएगा बेसन के लड्डू में, ये दो स्टेप से आपके लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये तो अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे हम नीचे उतार लेंगे। तो हमने हमारा भुना हुआ बेसन गैस पर से नीचे उतार लिया है, इसे हमें अब एकदम ठंडा होना देना है, फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, बेसन हमारा एकदम ठंडा हो गया है जो हमने भुना था घी में। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, जो पाउडर शुगर ली है हमने वो 350 ग्राम हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। दूसरी चीनी भी हम डाल देंगे। इसे आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाथ की गर्मी से ये ज्यादा गीला होने लगता है, तो आप चम्मच से कर दीजिए मिक्स इसे। अब हम इसके लड्डू बना देंगे। आप अपने मन चाहे साइज में लड्डू बना दीजिए ऐसे। इस तरह के लड्डू बना देना है और जो ये पिस्ता लिया है हमने ऊपर ऐसे लगा देना है और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, दिवाली पर तो ये लड्डू बनते ही है, आप और त्योहारों में भी बना सकते हैं इसे, और कभी कभी हम शगुन के तौर पर हमारे रिलेटिव्स को स्वीट्स भेजते हैं, तो आप उसे ये लड्डू घर के ही बनाकर भेज सकते हैं। इस तरह से हम सभी लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू हमारे बन गए हैं। अभी इन लड्डुओं को आप गिफ्ट करना चाहते हैं किसी को, तो ऐसे जो चॉकलेट का पेपर कप आता है उसमें आप रख दीजिए, तो ऐसा सरस क्यूट हो जाएगा आपका लड्डू। तो आप इस तरह भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे बेसन के लड्डू। कितने सारे हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं, एकदम इजी है, और जो हमने टिप्स दी है आपको उसे फॉलो करिएगा तो एकदम हलवे जैसे आपके बेसन के लड्डू टेस्टी बनेंगे। तो तैयार है फ्रेंड्स बेसन के लड्डू।